बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास टू। यस्टरडे आई हैव गिवन यू द होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज ए ऑन बुक पेज नंबर 31, यूनिट 7, पार्ट लैंग्वेज। Your parents will take your test in exercise A. Okay? Your parents will take your test number 34 in the test portion of your rough copies. Okay? Now note down your today's homework. Your today's homework is English written plus oral. Learn exercise B plus C, language of unit 7 from book page number 31. Play lecture number 40. Exercise B and C is included in your today's homework. All about me, write the words and read and match. Okay, learn these two exercises properly. Play lecture number 40, video number 40. Okay, and do your homework, complete your homework properly. Your parents will take your test by tomorrow, inshallah. Now we are moving towards our today's topic. Dear students, as you know, we have completed these 8 units, and in the previous video we have done the words meanings of these 8 units, and also we have started extension work. We have done numbers, means singular, plural, genders, masculine, feminine. We have done numbers, we have done genders, we have done antonyms, means words opposites. We have done forms of verbs. We have also done pronoun in the home task number 2. Now it's the turn of comprehension passage. Okay, comprehension passage. What is comprehension passage? Now I will explain in this video, inshallah. Okay, our today's topic is comprehension passage. Comprehension. What is comprehension? Comprehension means to understand something clearly. किसी चीज को अच्छे तरीके से समझना. In Urdu, comprehension means अदराक, समझ या फहम. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसेज? पैसेज मीन्स शॉर्ट एक्सट्रैक्ट. शॉर्ट एक्सट्रैक्ट मतलब इबारत का टुकड़ा. पैसेज मीन्स एक ऐसा पैराग्राफ जो किसी किताब से या किसी कहानी से लिया गया हो, किसी कहानी का, किसी किताब का छोटा सा टुकड़ा हो, एक पैराग्राफ हो. ठीक है, शॉर्ट एक्सट्रैक्ट इबारत का टुकड़ा. पैसेज मीन्स अ शॉर्ट पैराग्राफ. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का क्या मतलब हुआ? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब है कि एक ऐसा पैराग्राफ, ठीक है, जो आसानी से समझ में आ सके. ओके, सो हेयर वी हैव अ पैसेज. यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा पैसेज है, छोटा सा पैराग्राफ है. मैं आपको समझाती हूँ. पहले आप लोगों ने इस पैसेज को गौर से पढ़ना है, गौर से सुनना है. उसके बाद इस पैसेज में से सवालात दिए गए हैं, इस पैसेज में से क्वेश्चंस दिए गए हैं. आप लोगों ने अगर इस पैसेज को गौर से सुना होगा तो आप लोग आसानी से उन सवालात के जवाबात दे सकेंगे. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग. लुक एंड लिसन केयरफुली. अली एंड सारा लव द फॉल सीज़न. अली और सारा पसंद करते हैं मौसम खिज़ां को. फॉल कहते हैं ऑटम को. ठीक है, ऑटम सीज़न को. ऑटम का दूसरा नाम फॉल है, जिसमें पत्ते गिरते हैं. ठीक है, फॉल मीन्स गिरना, पत्तों का गिरना. अली एंड सारा लव द फॉल सीज़न. अली और सारा पसंद करते हैं मौसम खिज़ां को. अली और सारा किस मौसम को पसंद करते हैं, ये जहन में रख लें कि वो मौसम खिज़ां को पसंद करते हैं.
क्यों? सुने अब, दे लाइक जंपिंग ऑन द ड्राइड लीव्स. वो दे इस प्रोनाउन हम अली और सारा की जगह पर दे यूज़ कर रहे हैं. दे लाइक वो पसंद करते हैं जंपिंग छलांगें लगाना ऑन द ड्राइड लीव्स सूखे पत्तों पर. क्योंकि मौसम ख़िज़ां में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं तो अली और सारा मौसम ख़िज़ां को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें जो दरख्तों से गिरे हुए सूखे पत्ते हैं उन पर जंपिंग करना बहुत पसंद है. इसलिए वो फॉल सीज़न को पसंद करते हैं. दे लाइक वो पसंद करते हैं जंपिंग छलांगें लगाना ऑन द ड्राइड लीव्स सूखे हुए पत्तों पर. अली लाइक्स अली पसंद करता है ब्राइट कलर्स शोख रंगों को. अली को कौन से कलर्स पसंद हैं? ब्राइट कलर्स डार्क कलर्स जिस तरह रेड डार्क ग्रीन पर्पल शॉकिंग पिंक ब्लैक. ठीक है, तो जो डार्क कलर्स हैं वो अली को पसंद हैं शोख रंग. एंड सारा लाइक्स और सारा पसंद करती है डल कलर्स फीके कलर जिस तरह बेबी पिंक वाइट स्काई ब्लू. ठीक है, तो अली कौन से कलर्स को पसंद करता है? ब्राइट कलर्स को शोख रंगों को डार्क कलर्स को. और सारा कौन से कलर्स को पसंद करती है? फीके रंगों को डल कलर्स को डल कलर्स. ठीक है, अब ये सब कुछ आप लोगों ने जहन में रखना है और अब आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सीज़न डू दे लव. वो कौन से मौसम को पसंद करते हैं? वो कौन, अली और सारा कौन से मौसम को पसंद करते हैं? मैंने आपको कहा था ना कि जहन में रख लें. चलें अब आप लोग पैसेज को दोबारा गौर से देखें. अली एंड सारा लव द फॉल सीज़न. अली और सारा पसंद करते हैं मौसम खिज़ां को. तो आप लोग आंसर में ये लिख लें यहाँ से देखकर. हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, लिखें दे लव द विच सीज़न फॉल सीज़न. वो पसंद करते हैं मौसम खिज़ां को. क्वेश्चन टू इज़ हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द पैसेज. ये जो पैसेज दिया गया है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने किरदार हैं, कितने लोग हैं, कितने इंसान हैं इसमें. ठीक है, ये स्टोरी जिनके बारे में है इस वो कितने लोग हैं, तो आप लोग ज़रा पीछे पैसेज में देखें और काउंट करें कि वो कितने हैं. अली एंड सारा वी हैव ओनली टू कैरेक्टर्स इन दिस पैसेज. अली बॉय एंड सारा गर्ल. वन बॉय एंड वन गर्ल. सो वी हैव टू कैरेक्टर्स इन दिस पैसेज. राइट द आंसर्स. देयर आर टू कैरेक्टर्स इन द पैसेज. इस पैराग्राफ में जो हैं दो किरदार हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट डू दे लाइक टू डू. उनको क्या करना पसंद है, उनको क्या करना अच्छा लगता है मौसम खिज़ां में. ठीक है, सो अगेन लुक एट द पैसेज. दे लाइक जंपिंग ऑन द ड्राइड लीव्स. उनको अच्छा लगता है छलांगे लगाना सूखे हुए पत्तों पर. तो आप लोग ये जवाब लिख लें उस क्वेश्चन के आंसर में. दे लाइक जंपिंग ऑन द ड्राइड लीव्स. व्हाट डू दे लाइक टू डू. दे लाइक जंपिंग ऑन द ड्राइड लीव्स. उनको सूखे पत्तों पर छलांगे लगाना अच्छा लगता है. किनको? अली और सारा को. नाउ क्वेश्चन फोर इज विच कलर्स डज अली लाइक. अली को कौन से रंग अच्छे लगते हैं? ये भी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा है. अगेन लुक एट द पैसेज. अली लाइक्स ब्राइट कलर्स. अली को शोख रंग अच्छे लगते हैं. सो राइट द आंसर्स अंडर द क्वेश्चन. विच कलर्स डज अली लाइक. अली लाइक्स ब्राइट कलर्स. अली को शोख रंग अच्छे लगते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज
Which colors does Sarah like? सारा को कौन से रंग अच्छे लगते हैं? So again, look at the passage. Sarah likes dull colors. सारा को फीके कलर अच्छे लगते हैं. ठीक है? So write the answer under the question. Question 5. Which colors does Sarah like? Sarah likes dull colors. सारा को फीके कलर अच्छे लगते हैं. It was the last question from the passage. We have completed the comprehension passage with questions answers from the passage. Hope you all have understood. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. तो आप लोगों के कोर्स में इस तरह के पैसेजेस भी इंक्लूड हैं. मैंने ये एक करवा दिया है. इस तरह के काफ़ी पैसेजेस होंगे आपके कोर्स में. ठीक है? तो आपको समझ आ जानी चाहिए. ठीक है? थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.